नमस्कार, मैं हूँ विस्मय अलंकार और अभी मैं हजारीबाग के सलगावा गांव में हूँ। और तूफान जो कल गुजर गया है यहाँ से यास, उसके बाद के जो तबाही हैं वो मंजर आपको यहाँ दिखाने के लिए मैं हूँ। ऐसे देखने से आपको भले कुछ बहुत नहीं नज़र आए, लेकिन ये ऐसा तबाही है और उन किसानों के लिए तबाही है जो बड़ी मुश्किल से एक अच्छे भविष्य, एक अच्छी कमाई को सोचकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे लगाया था, लेकिन इस तूफान ने पूरा का पूरा इनका ये जो फसल है टमाटर का वो बर्बाद कर दिया। इन्हें 4 लाख रुपए से 6 लाख रुपए जो लागत इनका था वो भी अब वापस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये अब मुश्किल लग रहा है। हमारे साथ 2 लोग यहाँ पे हैं, ये किसान भाई हैं और ज़मीन लीज पर लेकर ये पूरी खेती कर रहे थे। 6 एकड़ में इन्होंने ये फसल लगाई थी और टमाटर की ये खड़ी फसल आप देख सकते हैं, जिस तरह से लगातार 4 दिन ये जो बारिश हुई उसके बाद से ये पूरा का पूरा टमाटर का जो ये खड़ी फसल है वो बर्बाद, एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल बर्बाद हो गया। और अभी इनके पास लगभग 20 क्विंटल टमाटर है जिसके ख़रीदार नहीं मिल रहे हैं। कुछ ऐसे टमाटर जो बर्बाद हो गए हैं इसके लिए अब वो जो मवेशी हैं उसका चारा ये लोग बनाएंगे। क्या हुआ आखिर, क्यों इस ये स्थिति हो गई? बारिश की वजह से हुआ है। क्या सोचकर लगाए थे, कितना लागत क्या था इसका, कितना था, क्या कह रहे हैं आप? बारिश के वजह से तो पहले से बारिश हो रहा है और लॉकडाउन में टमाटर बिक नहीं पाया, उसके वजह से भी हुआ है। कितना लागत था क्या इस पूरे में जो आप ये किए हैं? इसमें हमारा लागत 6 लाख रुपया लगा है, 6 एकड़ ज़मीन है और सारा लीज पर लिए हैं। अच्छा, ज़मीन आपकी नहीं है, लीज पे लिए थे? हाँ। तो अब क्या लगता है कि लागत आपका निकल भी पाएगा या ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह से हुए? ये अभी से जिस इसका जो खूटा उटा कबाड़ेंगे उसका खर्च निकल जाए तो बहुत है, लागत नहीं निकल पाएगा। लागत नहीं निकल पाएगा? नहीं। अगर ये सब कुछ सही रहता तो कितना ये पैसे, कितने पैसे की फसल होती, कितना फ़ायदा होता? ये सब सारा सही रहता और रेट अच्छा मिलता तो लगभग 10 लाख का फसल होता। 10 लाख का फसल होता, यानी कि अगर सब कुछ ठीक होता तो 3-4 लाख रुपए की बचत एक किसान को होती। आपके जैसे इस इलाके में कितने किसान हैं जो ये कर रहे हैं, केवल इन 2 गांवों की बात करें तो? कम से कम इस गांव, दोनों गांव, तीनों गांव मिलकर के कम से कम 100 किसान से कम नहीं है। 100 किसान सब अलग अलग जगह पर लगा रहे हैं। तो इन 100 किसानों को माने तो उन लोगों ने भी 4-4 लाख रुपये लगाए होंगे? हाँ हाँ, सब लगाए हैं, पैसा लगाने में कोई कमी नहीं करता, पैसा पर ही खेती होता है टमाटर का। जो शुरुआत से रोपाई होता है उसी समय से इसका पैसा लगना चालू होता है और सब मजदूरी पर ही होता है। इन फसलों पर कभी, मान लीजिए ऐसे कभी बर्बाद अगर हुआ हो तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कुछ मदद मिली हो, कोई सरकार के तरफ से कुछ राहत हुआ हो? नहीं, हम लोग का तो कोई मदद नहीं मिला अभी तक। कितने साल से कर रहे हैं इस तरह की खेती? 10 साल से। कभी इस तरह से फसल में मिला नहीं है? नहीं। पहले भी कभी इस तरह से बर्बादी हुई है? बहुत बार बर्बादी हुआ है। एक बार तो नोटबंदी के समय में भी 17 लाख का नुकसान हुआ था हमारा, और उसके बाद कभी मर जाता है तभी ऐसा नहीं होता, लेकिन वो ऐसे ही मरता है तो दिक्कत नहीं, लेकिन इस बार तो रेट भी नहीं मिल रहा है और उसके बाद ये टमाटर पानी से भी बर्बाद हो गया पूरा। अभी जो आप वहाँ पे 20 क्विंटल की बात कर रहे हैं, जैसे अभी आपने वहाँ दिखाया कि 4-5 क्विंटल आपका अभी आपने ये तुड़ाई जो हुई है, तो अब इसका क्या होगा? इस देखिए, कोई ग्राहक मिल जाए तो बिक ही जाएगा, और 5-6 रुपये का रेट तो बता रहे हैं, लेकिन कोई आ जाएगा तो बिक जाएगा, और नहीं आएगा तो फिर 1-2 दिन देखना पड़ेगा इसको, नहीं फिर गलेगा। ये पानी वाला टमाटर रहता भी नहीं है। और कुछ आप मवेशी के लिए भी रखें कि गाय के लिए आप? हाँ, उसको बाहर फेंक देंगे, जानवर सब खा जाएगा। तो ये स्थिति है कि इस इलाके के 100 किसान, ये केवल 3 गांव की कहानी है जिसके कब लगभग 100 किसान टमाटर की ऐसी खेती कर रहे हैं। हजारीबाग का ये इलाका पूरे भारत में टमाटर उत्पादन में 3रा स्थान रखता है। आप समझ सकते हैं कि पूरे हजारीबाग चतरा का ये इलाकों में कितने किसान इस तरह से इस तूफान के बाद बर्बाद हुए हैं। असमय पहले बारिश और फिर ये तूफान, किसान परेशान हैं और इन्हें इन
जो ये नुकसान होता है इसके लिए कभी सरकारी राहत या मदद भी नहीं मिलती है। विस्मय अलंकार लगातार.in के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।